हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी कद्दू और चना दाल डालकर सब्जी है, हल्का मसाला वाला सब्जी। सबसे पहले गैस को ऑन करेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है, इसको आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, कुकर में भी बना सकते हैं। कुकर में जल्दी बनेगा, इसलिए मैं कुकर में बनाऊंगी। डालूंगी सरसों तेल, थोड़ा सा बस। आप इसमें डालिए पचफोरन, थोड़ा सा हींग और हरा मिर्ची। आप इसमें लाल सूखा मिर्ची भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हरा मिर्ची यूज़ करती हूँ। ये सब्जी बिना मेहनत के जल्दी बनता है और टेस्टी बनता है और हेल्दी भी रहता है। अब आप इसमें ये चना दाल डाल दीजिए। ये है सब्जी मसाला, मार्केट का सब्जी मसाला है। ये आप डाल सकते हैं, आपका मन है तो डालिए, नहीं मन है तो नहीं डालिए। ये नमक, ये हल्दी, ये हल्दी नमक से ही बहुत टेस्टी बन सकता है। और ये टमाटर है जो मैं अपने मन से डाल रही हूँ, आपके ऊपर डिपेंड है, आप डालना चाह रही हैं तो डालिए, नहीं डालना है तो नहीं डालिए। इसमें अब आप सीटी लगा दीजिए। सब्जी हो गया रेडी। अब इसको खोलो। और इसको आप रोटी के साथ खाइए या चावल के साथ खाइए, चावल के साथ ज़्यादा टेस्टी लगता है। सब्जी हो गया रेडी।